एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जब लोग दरिया पर मछलियाँ पकड़ते तो वो उन्हें देखता था, जिसकी वजह से उसे भी शौक पैदा हो गया कि वो भी मछलियाँ पकड़कर अपनी रोजी रोटी करेगा। वो कश्ती बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाता है तो वहाँ एक आदमी आ जाता है। ओए, ये तो लकड़ियाँ किसकी इजाजत से तोड़ रहा है? नहीं तेरे अंदर अकल तमीज है कि नहीं? भाईजान, मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए लकड़ी लेकर जा रहा हूँ। इस लकड़ी से एक कश्ती बढ़ाऊंगा और खूब मछलियाँ पकड़ा करूँगा और अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। रोजी रोटी के बच्चे, ये जंगल शी का बदमाश और भंगड़ का है। उसे पता लग गया ना तो तेरी चमड़ी उतार देगा। खामोशी से निकल जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। भाई ऐसा मत कहो, इस लकड़ी के बगैर तो मैं कश्ती नहीं बना सकूंगा। मेरे पास अब थोड़े से पैसे रह गए हैं, फिर हमारे पास अनाज दाना पानी सब खत्म हो जाएगा। पैसों का सुनते ही उसके दिल में लालच आ जाती है। कितने पैसे रह गए हैं तेरे पास? भाई सिर्फ 1000 रुपए रह गए हैं। ठीक है, 1000 रुपए ला कर दे और ये लकड़ियाँ ले जा, इससे ज्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है भाई, मैं भी लेकर आता हूँ पैसे। बिट्टू घर जाता है और अपनी माँ को बताता है। ठीक है बेटा, तू ये आखिरी 1000 रुपए भी ले जा और लकड़ियाँ खरीद कर कश्ती बना। हाँ मैं जान, कश्ती बनाकर मैं दरिया के बीचों बीच जाकर खूब मछलियाँ पकड़ा करूँगा। बिट्टू 1000 रुपए लेकर उसके पास पहुँच जाता है और उसे पैसे देकर वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है और घर आकर कश्ती बनाना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वो एक अच्छी कश्ती बना लेता है। माँ जी बताओ, कैसी बनाई है आपके बेटे ने कश्ती? खूबसूरत है कि नहीं? हाँ मेरे बेटे, बहुत खूबसूरत कश्ती बनी है। चल अब तू जा दरिया से मछलियाँ पकड़ कर आ। हाँ माँ जी, बस अब टाइम जाया किए बगैर मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलता हूँ। बिट्टू कश्ती को खींच कर वहाँ से ले जाता है और दरिया के किनारे आ जाता है। अब मेरा काम हो गया है आसान। मैं दरिया के बीचों बीच जाता हूँ और वहाँ पे जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ता हूँ। बिट्टू कश्ती पर सवार होकर उस दरिया में उतर जाता है और दरिया के बीचों बीच पहुंच जाता है और अपना जाल दरिया में डाल देता है तो कुछ देर बाद उस जाल में हलचल होती है। अरे वाह, लगता है बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं मेरे जाल में। मैं जल्दी से जाल निकालता हूँ। बिट्टू जाल निकालता है तो काफी सारी मछलियाँ आ जाती हैं। ये सब देखकर बिट्टू बहुत खुश होता है और मछलियों के साथ किनारे पर आ जाता है और कश्ती को एक दरख्त के साथ बांध कर चला जाता है और मछली मंडी पहुंच जाता है। भाई साहब, ये सारी मछलियाँ कितने की लोगे आप मुझसे? हाँ मछलियाँ तो तुम्हारी काफी ज्यादा है, मैं 2500 रुपए में ले लूँगा। ठीक है भाई, आप मुझसे मछलियाँ खरीद लो। बिट्टू उसे मछलियाँ देकर उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ मीठा आ जाता है। अरे वाह वाह लड़के, कितने पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास? हाँ भाई, मैं जो आपसे लकड़ियाँ खरीद कर लेकर गया था उससे मैंने कश्ती बनाई और खूब मछलियाँ पकड़ी और ये पैसे मैंने मछलियाँ बेचकर ही कमाए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी कश्ती कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही? वो तो भाई मैंने दरिया के पास एक दड़क के साथ बांटी है। बहुत वजनी थी वो कश्ती, उसे ले जाना और लाना बहुत मुश्किल था। बिट्टू ये कहकर चला जाता है। लकड़ियाँ हमसे खरीदे और रोजी अकेले अकेले करे, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं अब ऐसा काम करूंगा कि ये जो कमाएगा सब मेरे हाथ में लाकर रख देगा। मीठा रात में दरिया पर पहुंच जाता है और उस कश्ती में सुराख कर देता है। अब मजा आएगा, जब ये कश्ती दरिया में उतारेगा तो वो डूब जाएगी, फिर तो ये लकड़ियाँ काटने मेरे पास आएगा। वाह मीठे, अब तेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, तेरे लिए एक ही ग्राहक बहुत है। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और जब सुबह होती है तो बिट्टू दरिया पर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलता है और अपनी कश्ती में बैठकर चल पड़ता है तो थोड़ा आगे आने पर उसकी कश्ती दरिया में डूब जाती है। बिट्टू दरिया में उतरता है तो वहाँ एक पत्थर पड़ा होता है और साथ एक मंत्र लिखा होता है। अगर
और इस पत्थर को हाथ में पकड़कर ये मंत्र पढ़ो तो जिसके हाथ में भी ये पत्थर होगा वो गायब हो जाएगा। बिट्टू वो पत्थर उठा लेता है और तैरकर दरिया से बाहर निकल आता है। मैं ये मंत्र पढ़कर देखता हूँ ये पत्थर काम भी करता है कि नहीं। टुकु टुकु टम्मी घड़पड़ नहीं है अम्मी, बना कर दो मुझे खाना वरना मैंने स्कूल नहीं जाना। ये मंत्र पढ़ते ही बिट्टू गायब हो जाता है और अपने घर आ जाता है। अब बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का पत्थर है, मैं इस पत्थर को संभाल कर रख देता हूँ, कहीं ये किसी के हाथ न लग जाए। फिर बिट्टू उस पत्थर को अपने कमरे में लाकर रख देता है। अब ये पत्थर महफूज है, मेरा जब कभी भी सैर करने को दिल करेगा तो मैं इस पत्थर की मदद से सैर कर लिया करूँगा। अब फिलहाल मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लेकर आता हूँ। बिट्टू घर से निकलता है और जंगल में आ जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है तो मीठा वहाँ पर आ जाता है। अरे तुझे अकल है कि नहीं, तो बिना इजाजत फिर लकड़ियाँ काटने के लिए आ गया है। भाई साहब, आज मैं दरिया पर मछलियाँ पकड़ने गया तो मेरी कश्ती डूब गई। अब मैं लकड़ियाँ काट कर लेकर जाऊँगा और दोबारा नई कश्ती बनाऊँगा। हाँ ठीक है, 5,000 रुपए लगेंगे, फिर ही लकड़ियाँ काटने दूंगा। भाई अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे लकड़ियाँ काटने दो, मैं मछलियाँ बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा, बहुत सियाणा बन रहा है तू, जरा रुक मैं अभी आता हूँ। मीठा वहाँ से चला जाता है और शीका बदमाश उर्फ भंगड़ के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि एक लड़का जंगल से लकड़ियाँ काटने पहुँचा हुआ है। ये सुनकर उस बदमाश को बहुत गुस्सा आता है और वो दो लड़कों को साथ लेकर वहाँ पर पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बिट्टू लकड़ियाँ काट रहा होता है। ये रहा वो लड़का जो शीका बदमाश उर्फ भंगड़ के जंगल की लकड़ियाँ काट रहा है। वो दोनों उसे पकड़ कर शीका बदमाश के पास ले आते हैं। तुझे अकल है कि नहीं, तू हमारे जंगल की लकड़ियाँ काट रहा है। मीठे, इसने पहले कितनी बार लकड़ियाँ काटी है वहाँ से। बदमाश भाई, ये पहले भी लकड़ियाँ काटने आया था, वो तो मैंने डंडे मार के इसे भगा दिया। बदमाश भाई, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे लकड़ियाँ काटने के 1,000 रुपए लिए थे और मैं लकड़ियाँ काट कर ले गया था। क्या मीठे, तूने मेरे जंगल की लकड़ियाँ इसे 1,000 रुपए में बेच दी। भंगड़ साहब, मेरे बेटे का पजामा फट गया था, वो लेना था इसलिए मैंने इससे 1,000 रुपए ले लिए। उस वक्त तो तेरे बेटे का पजामा फटा था ना, अब तेरा फटेगा। मुलाजिमो, मीठे को काल कोठरी में बंद कर दो और इस लड़के को दरख्त से बांध कर इसकी गर्दन उतार दो। मुलाजिम उसे दरख्त से बांध देते हैं और मीठे को काल कोठरी में ले जाते हैं। अब बिट्टू बहुत परेशान होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन उतर जाएगी। तभी बिट्टू के जहन में एक बात आती है। भाई साहब, क्या आप मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? कौन सी ख्वाहिश है तुम्हारी, मुझे बताओ। भाई साहब, मेरे घर में एक पत्थर पड़ा है, वो उठा लाओ, मैं आखिरी बार उस पत्थर को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुलाजिमो जाओ और इसके घर से वो पत्थर लेकर आओ। वो दोनों मुलाजिम वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं और जब वो उसके कमरे में आते हैं तो वहाँ वो पत्थर पड़ा होता है तो वो उस पत्थर को उठा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। वह तो ये पत्थर है, मुलाजिमो ये पत्थर इसके हाथ में पकड़ा दो। वो पत्थर बिट्टू के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है और वही मंत्र पढ़ता है। टुकु टुकु टम्मी घड़पड़ नहीं है अम्मी, बना कर दे दो मुझे खाना वरना मैंने स्कूल नहीं जाना। मंत्र पढ़ते ही बिट्टू उस दरख्त समेत वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो डर जाता है। भागो यहाँ से, भागो, यहाँ पर भूत पिशाचों का हमला हो गया है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और बिट्टू लकड़ी समेत घर पहुँच जाता है। बेटा, तू कहाँ था और यहाँ कैसे आया? माँ जी, ये सब बाद में बताऊँगा, पहले मुझे खोलो। फिर उसकी माँ उसे खोल देती है और बिट्टू उसको सारी बात बताता है। शुक्र है मेरे बेटे, तू खैर खैरियत से वापस आ गया है। और हाँ माँ जी, नसीब का कमाल तो देखो, मुझे अपनी कश्ती के लिए लकड़ी भी मिल गई है। फिर बिट्टू उस लकड़ी से कश्ती बनाता है और खूब मछलियाँ पकड़ता है।